है भरा त्याग तप बलिदान की भरी है उनमें उर्वरा। मातृभूमि के लिए शेष रक्त बार दे, शत्रु के विनाश को असी प्रखर थार दे। शस्य श्यामला धरा सदा तुम्हें पुकारती, नई प्रभा नई उमंग से नोडल अधिकारी द्वारा सलामी ग्रहण की जा रही है। नोडल अधिकारी आरटीसी श्री बीबी चौरसिया जी। परेड के प्रथम कमांडर रिक्रूट आरक्षी अजीत सिंह मंच की ओर आते हुए आज के कार्यक्रम के तैयार है निरीक्षण वाहन मंच की ओर आता हुआ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धे श्री संतोष कुमार सिंह जी, पुलिस उपमहामारी महानिरीक्षक, निरीक्षण वाहन पर सवार होते हुए निरीक्षण वाहन मंच के सामने से गुजरता हुआ अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे जो एसएसपी साहब थे वो अब डीआईजी पद को सुशोभित कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए। स्वागत टोली जिसके आरक्षी हैं हिमांशु कुमार, द्वितीय टोली के रिक्रूट आरक्षी कमल कुमार के नेतृत्व में हमारे मुख्य अतिथि निरीक्षण करते हुए परेड का, तृतीय टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी जीशान उस्मानी, चौथे टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी अमित कुमार के नेतृत्व में निरीक्षण समाप्त हुआ। परेड के प्रथम कमांडर रिक्रूट आरक्षी अजीत सिंह निरीक्षण वाहन से उतर गए हैं और सलामी दे रहे हैं आज के मुख्य अतिथि को। निरीक्षण वाहन मंच की ओर आता हुआ, रोली चंदन से बढ़कर है माटी मेरे देश की, वेदों और गीता से सजी है थाती मेरे देश की। यहाँ राम की मर्यादा है, श्री कृष्ण का ज्ञान योग है, गीता का अध्यात्म सारे विश्व में बेजोड़ है। हमारे जो रिक्रूट आरक्षी हैं उनकी अभिलाषा है भारती की आरती में एक दीप मैं भी जला लूँ, भारती की आरती में एक दीप मैं भी जला लूं, जागरण के इन क्षणों में गीत कोई गुनगुना लूं, श्रद्धा निष्ठा विश्वासों से मेरी झोली भर देना। कर्मठ कुमार सिंह जी,
डीआईजी उप महानिरीक्षक का पद इनको प्राप्त हुआ है। इनकी कर्मठता, सजगता और सुंदर सेवाओं के कारण एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से मुख्य अतिथि का स्वागत करें। धन्यवाद। तुम नीचे बैठ जाओ। प्रथम कमांडर सब सही है। परेड की ओर अपना स्थान ग्रहण करते हुए रिक्रूट आरक्षी अजीत सिंह आज की परेड के प्रथम कमांडर हैं। द्वितीय परेड कमांडर हैं रिक्रूट आरक्षी संजीव कुमार। तृतीय परेड कमांडर हैं रिक्रूट आरक्षी सुखदेव सिंह। दुनिया में सबसे सुंदर यह देश है हमारा। बलिदानियों के खून से सींचा हुआ वतन है। हम शांति के हैं राही, अपना धर्म अमन है। अवनि से इस पटल पर लहरे तिरंगा प्यारा। दुनिया में सबसे सुंदर यह देश है हमारा। इसी सुंदर भावना के साथ रिक्रूट आरक्षी बहुत सुंदर परेड कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि उनका उत्साहवर्धन करने के लिए एक बार जोरदार त्याग तब बलिदान की भरी है उनमें उर्वरा। मातृभूमि के लिए शेष रक्त वार दें, शत्रु के विनाश को असी प्रखर धार दें। शस्य श्यामला धरा सदा तुम्हें पुकारती, नई प्रभा नई उमंग से प्रथम कमांडर द्वितीय कमांडर मंच के सामने से गुजरते हुए प्रथम कमांडर टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी हिमांशु कुमार के नेतृत्व में बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। द्वितीय टोली रिक्रूट आरक्षी जीशान उस्मानी के नेतृत्व में। सात नंबर टोली रिक्रूट आरक्षी मलखान सिंह के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरती हुई एक बार तालियों में कमी मत करें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत। और आज की अंतिम अष्टम टोली रिक्रूट आरक्षी खिलेश सिंह के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरती हुई थर्ड कमांडर परेड के रिक्रूट आरक्षी सुखदेव सिंह सैल्यूट करते हुए मंच के सामने से गुजरते हुए यह हर्ष न्योछावर कर दे हम सर्वस हमारा प्यारा भारतवर्ष। इसी सुंदर मनोकामना के साथ पूरी परेड में जो मेहनत, जो निष्ठा, जो सजगता, सहजता, एकजुटता दिखाई, उसके लिए एक बार जोरदार ध्वनियों से स्वागत करें। मेरा देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहो भारतीय हैं हम। ये रिक्रूट आरक्षी पुलिस सेवा में आए हैं, इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसमें इन्होंने सफलता प्राप्त की है। बहुत सुंदर। Pre-
बहुत सुंदर बहुत। आप नोडल अधिकारी द्वारा प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मेरा सभी खड़े हुए लोगों से अनुरोध है वो अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि पीछे जो दर्शक बैठे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा। मेरा पुनः आप सबसे अनुरोध, अपना स्थान ग्रहण कर लें, व्यवस्था को बनाए रखें। महोदय, आरटीसी पुलिस लाइंस जनपद बुलंदशहर में नागरिक पुलिस आरक्षी पद पर का आधारभूत प्रशिक्षण ग्रहण किए जाने हेतु दिनांक 28/6/21 को 200 रिक्रूट आरक्षियों द्वारा आगमन किया गया, जिसमें एक रिक्रूट आरक्षी अंतःकक्षीय विषय में एवं एक रिक्रूट आरक्षी वाह्य विषय में अनुत्तीर्ण रहा। 3 रिक्रूट आरक्षियों ने अन्य निकायों से त्याग पत्र दे दिए तथा 195 रिक्रूट आरक्षी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। प्रशिक्षण के दौरान अंतः विषय के अंतर्गत अपराध न्याय व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, विवेचना अभियोजन एवं पुलिस रेगुलेशन, लोक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, पुलिस रेडियो एवं दूर संचार, गार्ड ड्यूटी, बंदी स्कोट हवाला ड्यूटी, भारत का संविधान, मानवाधिकार एवं लैंगिक संवेदनशीलता, पुलिस आचरण व्यवहार एवं संवाद कौशल, अपराध विधि, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता एवं ये गाय मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री संतोष कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो पुरस्कार वितरण करके उनका उत्साह वर्धन करें। चाचा आएंगे थे। पुरस्कार विजेता मंच की ओर आते हुए आ जाओ, ढींगा एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से इनका स्वागत। बहुत सुंदर पुरस्कार बताओ। अच्छा पुरस्कार बताओ। प्रथम स्थान ग्रहण किया है चेस नंबर 172 मंजीत सोलिकिन ने। शारीरिक प्रशिक्षण में इन्होंने 100 में से 93 अंक प्राप्त किए हैं। एक बार जोरदार टक्कल ध्वनियों से स्वागत करें। दूसरा चेस नंबर 36 कमल कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है पदाति प्रशिक्षण में। इन्होंने 75 में से 67 नंबर प्राप्त किए हैं। खिलेंद्र सिंह चेस नंबर 178 प्रथम स्थान शस्त्र प्रशिक्षण में प्राप्त किया है और 65 में से 55.20 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान ग्रहण किया है। चेस नंबर 193 बलविंद्र सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जंगल प्रशिक्षण फील्ड क्राफ्ट
और टैक्सिस, इन्होंने 75 में से 65 अंक प्राप्त किए हैं। अगले हैं पांचवें, चेस नंबर 128 सलमान खान, प्रथम स्थान प्राप्त किया है भीड़ नियंत्रण में, इन्होंने 50 में से 45 अंक प्राप्त किए। छठे हैं चेस नंबर 61 रोहित कुमार, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है अनआर्म कॉम्बैट में यूएसी, अंक प्राप्त किए हैं 30 में से 25। अरे आप लोग तालियां नहीं बजा रहे, धन्यवाद। साथ में एक पुरस्कार सातवां मिला है चेस नंबर 103 को, प्रताप सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है योगासन में, इनको 35 में से 33 अंक प्राप्त हुए हैं। बहुत सुंदर। आठवां स्थान चेस नंबर 36 कमल कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है यातायात नियंत्रण में, 40 में से 35 अंक। नमाज पुरस्कार प्राप्त किया है चेस नंबर 126 गोविंदा, प्रथम स्थान पर रहे हैं आतंकवाद और डकैती निरोधक प्रशिक्षण और 1 मिनट ड्रिल, 85 में से 75 अंक प्राप्त किए हैं। ललित कुमार चेस नंबर 4, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है विशिष्ट तलाशी अभियान, 45 में से 39 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। अगले हैं चेस नंबर 84 अंकुश, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रथम प्रश्नपत्र पुलिस का इतिहास, पुलिस का संगठन, अंतर विभागीय समन्वय, पुलिस कार्य प्रणाली एवं अनुशासन, 100 में से 95 अंक प्राप्त करते हैं। पर जोरदार सबके लिए ताली बजाइए। अगले हैं चेस नंबर 51 सुखदेव सिंह, इन्होंने प्रथम स्थान द्वितीय प्रश्न पत्र पुलिस विज्ञान प्रथम अपराध नियंत्रण विवेचना अभियोजना एवं पुलिस रेगुलेशन, 125 में से 117 अंक प्राप्त करकर प्रथम स्थान ग्रहण किया है। अगले हैं चेस नंबर 83 अजीत सिंह, प्रथम स्थान के अधिकारी हैं तृतीय प्रश्न पत्र पुलिस विज्ञान द्वितीय सुरक्षा लोक व्यवस्था आपदा प्रबंधन यातायात नियंत्रण पुलिस रेडियो एवं दूरसंचार गार्ड ड्यूटी बंदी रेस्कोर्ट हवालात ड्यूटी, 125 में से 114 अंक प्राप्त कर। चेस नंबर 95 दीपक कुमार ने प्रथम स्थान ग्रहण किया है चतुर्थ प्रश्न पत्र में भारतीय संविधान मानवाधिकार एवं बाल संरक्षण एवं लैंगिक संवेदनशीलता पुलिस आचरण व्यवहार एवं संवाद कौशल, 125 में से 122 अंक प्राप्त किए हैं। चेस नंबर 91 रोहिताश कुंतल, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है पंचम प्रश्न पत्र में अपराध विधि क्रिमिनल लॉ भारतीय एवं दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 125 में से 122 अंक प्राप्त किए। अगले हैं चेस नंबर 107 विशाल चौधरी, प्रथम स्थान षष्ठम प्रश्न पत्र विविध अधिनियम, इन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अगले हैं चेस नंबर 125 असलम खान, इन्होंने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है सप्तम प्रश्न पत्र कंप्यूटर एंड साइबर क्राइम, 50 में से 47 अंक प्राप्त किए हैं। चेस नंबर 31 वकार यूनिस, प्रथम स्थान के अधिकारी हैं अष्टम प्रश्न पत्र विधि विज्ञान विधि चिकित्सा शास्त्र प्राथमिक उपचार, 50 में से 50 अंक। बहुत सुंदर। 171 चेस नंबर राजेश कुमार ने प्रथम स्थान साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू, 100 में से 80 अंक प्राप्त किए हैं। सीधे खड़े हो। अब सर्वोत्तम सर्वांग, 128 चेस नंबर सलमान खान ने प्रथम स्थान ग्रहण किया है 1500 में से। अच्छा,
सर्वांग सर्वोत्तम। चेस नंबर 128 सलमान खान ने प्रथम स्थान ग्रहण किया है 1500 में से 1289.6 नंबर। परेड के प्रथम कमांडर अजीत सिंह, चेस नंबर 83 परेड के प्रथम कमांडर चेस नंबर 83 अजीत सिंह, परेड के द्वितीय कमांडर चेस नंबर 109 संजीव कुमार, चेस नंबर 51 परेड के तृतीय कमांडर सुखदेव सिंह, एक बार सभी पुरस्कृत लोगों के लिए जोरदार कटकर ध्वनियों से सहावर्धन करें। आईटीआई पद्मेंद्र कुमार, बेटा इधर को आ जाओ, निकल जाओ सर। आईटीआई पद्मेंद्र कुमार पुरस्कार ग्रहण करते हुए मुख्य अतिथि के द्वारा जोरदार कटकल ध्वनियों से स्वागत तो कीजिए भाई। पीटीआई नितिन कुमार, आईटीआई सुनील कुमार प्रीत, आप लोग थोड़ा जगह दे दें, पीछे वालों को दिख नहीं रहा। आईटीआई महेश चंद, निकल जान दो सर, निकल जान दो, इधर इधर से निकल जाइए सर। आईटीआई विकास कुमार चौधरी, आईटीआई मयंक दीक्षित, आपको भी जाना भैया, वापसी आएंगे ना, मैं इधर से इधर से ही आएंगे। आईटीआई सुनील कुमार, आईटीआई सचिन कुमार, आईटीआर शीलेन दिवाकर, अरे बाहर निकाल पा, अरे ना निकालो, बैठ जाओ बैठ जाओ अपनी जगह। चिराग शर्मा, पीटीआई रवीश कुमार, आरक्षी 912 अनिल कुमार, आरक्षी 279 राजीव कुमार, 279 आरक्षी राजीव कुमार, आरक्षी 16 उप निरीक्षक अध्यापक श्री जयप्रकाश सिंह, उप निरीक्षक अध्यापक श्री राजेंद्र सिंह, निरीक्षक अध्यापक श्री आनंद कुमार गौतम, अनुचर मदन लाल, कैमरा ही मैं अमर फुल करते हैं।
आरटीसी प्रभारी ओम पाल सिंह पीटीआई रवीश कुमार आरक्षी 912 अनिल कुमार दे रहा होगा मेरा आरक्षी 279 राजीव कुमार 279 आरक्षी राजीव कुमार आरक्षी 16 पुरस्कार विजेता वापस परेड ग्राउंड की ओर जाते हुए एक बार फिर कर्तव्य ध्वनियों से अपने होने का एहसास कर धन्यवाद। साल के बाद आज पुलिस बल के साथ साथ एक सर्विस के रूप में भी हमारे सामने आई है। कोरोना ने बखूबी पूरे विश्व को दिखाया कि भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस सेवा भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया वो अद्भुत था और पुलिस के बदलते हुए स्वरूप को भी दिखाता है। आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप अपने बल का प्रयोग अपराधियों के विरुद्ध और अपनी सेवा पीड़ितों और आम आदमियों के प्रति समर्पित रखें, तभी इस प्रशिक्षण की सार्थकता है और पुलिस की सेवा में आने का जो सौभाग्य आप मिला है उसको आप चरितार्थ कर पाएंगे। इस अवसर पर मैं अपनी अनंत शुभकामनाएं आपके भावी जीवन के प्रति अर्पित करता हूं और विश्वास करता हूं कि जिस सद्भावना के साथ जित उत्साह के साथ आपने पुलिस की सेवा में प्रवेश किया है इसमें उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे। आप अपने दायित्वों कर्तव्यों से आम आदमी का स्नेह और सम्मान प्राप्त कर सके और भविष्य में और ऊंचे पदों की ओर अग्रसर होते रहे यही मेरी कामना है। धन्यवाद। नंबर एक एक बार जोरदार कर धन्यवाद। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, करने वालों के कदमों में जहान होता है। इसी सुंदर भावना के साथ बहुत सुंदर नैनाभिराम दृश्य हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपकी कर्तव्य ध्वनियाँ उनके उत्साह को बढ़ाती रहें, मेरा आप सबसे अनुरोध। गजब सूर्य
सकता है। बहुत सुंदर। बंद कर लो भैया। मैं पुत्र श्री शपथ लेता हूँ तथा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा अपने पद के कर्तव्यों का राष्ट्रभक्ति और निष्पक्षता से पालन करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। जय हिंद। मंच की ओर आते हुए बहुत सुंदर। कदम से कदम मिलाते हुए धीमी चाल से मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे रिक्रूट आरक्षी का जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत है। नई कल्पना, नई सर्जना, निर्माणों की नई दिशा, नई रचना, नई ज्योत्सना, आलोकित हो नई निशा, नैतिकता की कीर्ति पताका स्पर्श करे उत्कर्षों को, पारदिशा का वो इतनी जो पुष्ट करे आदर्शों को, लिए ध्वज तिरंगा गाएं हम देशभक्ति का गान नया, देशवासियों उठो बनाएं अपना हिंदुस्तान नया। इसी सुंदर भावना के साथ रिक्रूट आरक्षी आज मंच के सामने से धीमी चाल में जा रहे हैं। मैं पुनः आपसे कहूंगी कितनी मेहनत, लगन और कितने कठिनाइयों का सामना करके यहाँ तक पहुंचे, एक बार जोरदार इनके श्रम के लिए तालियों की अपेक्षा रखती है। धन्यवाद। परेड के प्रथम कमांडर ने मुख्य अतिथि से आज्ञा प्राप्त की और परेड के प्रथम कमांडर मंच से निकलते हुए
के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संतोष कुमार जी ने इन सब के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। आपके लिए हमने मांगी है रिश्तों की चमक, फूलों की महक, सागर की गहराई, अंबर की ऊंचाई, सूरज का तेज, पवन का वेग, यानी कि कुदरत की हर खूबसूरती आपका हर तरह से वंदन करे, हजार खुशियों और उमंगों से आपका अभिनंदन करे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेहमान लोग आए हैं, उनके लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की गई है। मेरा पंडाल के पीछे को पहुंचने का कष्ट करें और अधिकारी वर्ग रुक जा भाई। ओ लौंडे चल आ जाओ, देख इतने को तो देख मसी आ जाओ। बंद करो,